Hi guys, good morning to all of you. आज ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन जो है उसका हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू. बहुत इजी मतलब ये मुश्किल होता है आप लोगों को कि थीटा का वैल्यू याद नहीं रहता है. कुछ ट्रिक वगैरह बहुत सा इसमें आता है. बहुत सा लोग क्या करते हैं, ये फिंगर पे थीटा का वैल्यू नोट कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस हम नहीं बताएंगे क्योंकि उतना ज्यादा शॉर्ट भी थोड़ा सा मुश्किल ला देगा आपको, क्योंकि ज्यादा सॉल्व नहीं करना. करना क्या है आपको, मेथड समझना है, उसको समझना है, समझ कर रखना है कि किस तरह से निकालना है. मतलब हमको सीखना है ट्रिकी से, पहले हमको सीखना है तो ट्रिकी ऑटोमेटिक आ जाएगा. तो देखिए जो भी फॉर्मूला है, मतलब हम उसको टोटल थीटा का टोटल का वैल्यू निकालेंगे. मतलब ऑल फंक्शन का मीन्स साइन से लेकर कॉट तक टोटल का वैल्यू आपको एक मिनट में याद आ जाएगा. और याद नहीं भी रहेगा तो कभी भी आप किसी भी समय निकाल सकते हैं, वन मिनट में निकाल सकते हैं. तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना दिए हैं. इसमें क्या है, साइन कोस टेन कोसेक से कॉट थीटा पर लिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो इस तरह से हमने क्या करेंगे, हमको करना क्या, हमको कुछ नहीं करना है. करना ये है कि हमको देखिए कितना बॉक्स आता है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है. कितना बॉक्स है, 5 बॉक्स है. ये 0 है, तो ऐसा कीजिए आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4, इट्स ओके. अब इसको हमको क्या करना है, अंडर रूट कर देते हैं. अंडर रूट वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू मेरा आएगा 0 का रूट 0 1 का रूट 1 रूट 2 का तो वैल्यू निकलेगा नहीं, ना तो √3 का निकलेगा, और 4 का क्या निकलेगा, 4 का निकलेगा 2. आपको लास्ट में क्या आया है, 2. तो 2 से ऑल को डिवाइडेड कर दीजिए. सबको क्या करना है, 2 से डिवाइडेड करना है, 2 2 2 2 2. हो गया समाप्त. ये हो गया कि 0/2 को जब डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा, 0/2 तो मेरा क्लियर है. √2/2 देखिए, √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट, ये 2 जो लिखा हुआ है, ये √2, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2. इस तरह से लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि रूट को डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट प्राप्त होता है. तो ये √2 √2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, 1/√2. तो ये √2/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं 1/√2 1/√2. बाकी तो सब वही होगा, और ये 2 में 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, 1. देख लीजिए क्या है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1. बस जैसा कि हम बताए थे फंक्शन में t/s और v/s को, कि सिर्फ साइन और कोस की याद रखना, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाएगा सब. तो सिर्फ इतना तो कर ही सकते हैं. क्या किया हमने, हमने 0 था, 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग कर दिए. 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग के मतलब 0 1 2 3 4 लिख दिए, सबको अंडर रूट निकाल दिया, सबको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिए, सबको 2 से डिवाइड कर दिए, सबका वैल्यू निकल गया. किसका वैल्यू निकला, तो ये साइन का ऑल वैल्यू निकल गया. अब हमको कॉस का निकालना है, तो कॉस को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको. क्या करना है कि इधर से जब चले थे तो इस बार हम इधर से चलते थे, इधर से यानी यहाँ जो वैल्यू था इसी वैल्यू को आप इधर से लिख दीजिए, या इस वैल्यू को स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोस में, किस वैल्यू से, लास्ट से, जिसका फर्स्ट जो था, लास्ट जो था, लास्ट को हम फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं. तो लास्ट क्या मेरा है, 1. तो ये भर देते हैं 1. ये क्या है, √3/2, तो ये हो गया √3/2. ये क्या है, इसका तो वही आएगा 1/√2. उसके बाद इधर चलेंगे तो 1/2, ये क्या है, 0. कॉस का वैल्यू क्या रहेगा, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 1/√2, और कॉस 60 1/2, कॉस 90 0.
बाकी का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, क्या करना है एक और निकाल लीजिए, वो क्या टेन का। तो टेन का निकालने के लिए क्या करेंगे कि डिवाइडेड करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं टेन चिट्टा इक्वल टू साइन चिट्टा वाई कॉस चिट्टा, यानी साइन वाई कॉस से डिवाइडेड कर देंगे तो वो टेन निकलेगा। तो आइए क्या निकालेंगे, टेन जीरो, टेन जीरो डिग्री क्या निकालेंगे, तो साइन जीरो लेना होगा हमको, साइन जीरो साइन जीरो बटा कॉस जीरो लेना होगा, कॉस जीरो। तो देखिए साइन जीरो, साइन जीरो क्या है, साइन जीरो आपका जीरो, तो साइन जीरो जीरो और वाई कॉस जीरो, तो कॉस जीरो आपका क्या है वन है, कॉस जीरो वन है, तो जीरो में वन से डिवाइडेड करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ये हो गया आपका जीरो। इस तरह से इसमें इसको डिवाइडेड कर देते हैं, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो टू आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन बाय रूट थ्री, ये हो गया वन बाय रूट थ्री। इसको डिवाइड करेंगे दोनों को सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन। इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये टू, इसका नीचे टू है, इसका भी नीचे टू है, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट थ्री बाय वन यानी रूट थ्री। इसको डिवाइडेड करेंगे वन में जीरो से, वन में डिवाइडेड करेंगे जीरो से, तो इट इज नॉट डिफाइंड, यह डिफाइन नहीं होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, ये इसको इसी सिंबल से लिख सकते हैं कि डिफाइन नहीं है। ओके, अब बाकी आप हम जानते हैं, आपको बताया था कि साइन को यदि हम इन्वर्स कर देंगे, उसका अपोजिट लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉसेक का वैल्यू, तो जो साइन का है उसको अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक बनेगा। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है कि जीरो है और वाई वन यदि है, इसको उल्टा करेंगे तो एक बटा जीरो, मतलब जीरो के अपोजिट इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के अपोजिट जीरो, तो जीरो है तो इसको हम क्या लिख देंगे इन्फिनाइट, इट इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद इसको लेंगे वन बाय टू, तो वन बाय टू को हम क्या करेंगे टू को ऊपर कर देंगे, वन को नीचे कर देंगे तो क्या मिलेगा टू। इसको अपोजिट करेंगे, टू को ऊपर करेंगे, वन को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू। इसको करेंगे टू को ऊपर रूट थ्री को नीचे तो ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। वन को तो अपोजिट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, सिर्फ एड सब्ट्रैक्ट खोल छोड़कर तो वही रहेगा ये वन। ओके, नेक्स्ट सेक, तो सेक में क्या करना है, सेक में कॉस, कॉस को हटा देना, कॉस को अपोजिट कर देना, तो वन यानी वन का मतलब वन बाय वन को क्या लिखेंगे वन ही लिखेंगे, वन का क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा। रूट थ्री बाय टू को क्या आप लिखेंगे टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री। वन बाय रूट टू को क्या लिखेंगे रूट टू बाय वन मतलब रूट टू। वन बाय टू को क्या लिखेंगे टू बाय वन मतलब टू। और जीरो को क्या लिखेंगे जीरो को इन्फिनाइट मतलब जीरो को इन्फिनाइट लिखेंगे। उसके बाद सेक कोट में निकालना है, तो कोट में क्या करना है, तो टेन को इन्वर्स कर देंगे, तो कोट टेन यहाँ जीरो, जीरो का क्या करेंगे इन्फिनाइट, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री को करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री, वन का अपोजिट वन, रूट थ्री का अपोजिट वन बाय रूट थ्री। देख लीजिए कैसे रूट थ्री बाय वन है तो क्या हो जाएगा ये वन बाय रूट थ्री, यानी वन बाय रूट थ्री, तो ये होगा वन बाय रूट थ्री, ये इन्फिनाइट है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर भी हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होगा, निकालने की जरूरत नहीं होगा, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है मेथड याद रखना है। मेथड क्या है, मेथड भी कुछ भी नहीं है, मेथड में कैलकुलस में भी हमको कुछ नहीं करना है, करना क्या है एक ग्राफ ले लीजिएगा, हमको साइन का निकाल देना है, बाकी हम और को निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, इसमें हमको समझते हैं कि कैसे कैसे हमको निकाल सकते थे। जैसे यदि आप ले लीजिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ओके थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा जब 30 डिग्री है तो यदि आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसमें देखिए आप सीधा सीधा दिमाग लगाइएगा कि साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा कि साइन 30, 30 का मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको क्या कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2,
तो 1/2 का क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या है, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, यानी हो गया प्लस √3/2। इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, इसका कैलकुलस करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर, जो अब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 3/2 का स्क्वायर 4। आप कैंसिल दीजिए तो 4 का 4 हो गया और ऊपर जोड़िएगा तो कितना बचेगा 3 और 1 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ऐसे ही निकलेगा। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे कब, जब हमको थीटा डिफरेंस हो और इसका कोई फॉर्मूला ना हो तब। लेकिन याद कीजिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूव भी किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सीधा सीधा 1 आ रहा है, कैलकुलस भी करेंगे तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जब थीटा दोनों जगह इक्वल है, दोनों जगह थीटा इक्वल है, तो हमको इसको हमको कैलकुलस करने की जरूरत नहीं है, थीटा का वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है तो 1 पुट कर दिए, इसको प्रूव भी किए थे हम लोग। बाकी यदि आपका डिफरेंस रहेगा थीटा तो थीटा का वैल्यू को रख के पुट करना है, तो इसमें आपको क्लास 10th से स्टार्ट होता है, पहले तो 9th में भी था लेकिन जो 2011 से सिलेबस जब चेंज हो गया है तो ये 10th से दिया है ट्रिगोनोमेट्री, और बाकी जब आप जहां तक जाइएगा ट्रिगो जो है स्टार्ट होगा है 10th से लेकर आप 9, 11, 12 BSc जितना भी जाइएगा आपको ट्रिगो साथ साथ चलेगा, और इसके बाद आपको मैथ के बाद साइंस में भी रहेगा, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये इम्पोर्टेंस रोल रखता है साइंस में, और ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिलेगा, मतलब इसका यूज आपको फिजिक्स में होगा केमिस्ट्री में होगा दोनों में होगा। तो इस बेस फॉर्मूला को आप क्लियर रखिए, कंप्लीट रखिए, और हमको हमेशा याद रखना है, इतना को आपको हमेशा याद रखना है, तो आप याद रखिएगा, ये संभव नहीं है मैथ में मतलब याद नहीं रखना, सिर्फ प्रोसेस को समझना है, तो प्रोसेस को जब हम समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक कभी भी हम उसको निकाल सकते हैं, कभी भी उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोगों को लिए बेस्ट ऑफ।